Hey viewers, welcome to my channel. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तंदूरी चाय की रेसिपी. तंदूरी चाय आजकल बहुत ही फेमस हो रही है और ये पुणे की फेमस चाय है, पर आज हम इसको घर में बनाएंगे. तो देखते हैं ये घर में कैसी बनती है और इसका टेस्ट कैसा होता है. पर इसमें जो मिट्टी की एक सोंधी सी खुशबू होती है और उसका स्मोकी फ्लेवर जो आता है वो सच में अमेजिंग है. तो अगर आपने इसे अभी तक ट्राई नहीं किया है तो आज मेरी रेसिपी देखने के बाद इसको जरूर ट्राई करेगा और कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करेगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है. पर उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक पैन मैंने चढ़ा दिया है गैस पे. इसमें मैं पानी डालूंगी. पहले चाय बनाएंगे हम. पानी मैंने लिया है आधा कप और दूध मैं इसमें डालूंगी एक कप, क्योंकि इस चाय में पानी ज़्यादा नहीं डलता. जितना आपका दूध हो उससे आधा पानी डालना पड़ता है, तो पानी मैंने आधा डाल दिया है, आधा कप. अब इसमें एक कप, जब ये इसमें बॉयल आ जाएगा मैं दूध ऐड करूँगी. अब दूसरी गैस को भी मैंने ऑन कर दिया है. इस पे मैं मेरा ये कुल्हड़ कसोरा ऐसे रख दूंगी. इसको हम गरम करेंगे. गैस का फ्लेम मैंने कम किया हुआ है और अब ये इस पे अच्छे से गरम होगा. इसमें पानी में बॉयल आ गया है. अब इसमें मैं मेरी चाय पत्ती ऐड कर दूंगी. गैस का फ्लेम मैंने अभी लो कर दिया है. मुझे 3 कप चाय बनानी है तो मैं इसमें 3 चम्मच चाय पत्ती डाल दूंगी. मेरा ये छोटा वाला चम्मच है जो मैं चाय के लिए यूज कर रही हूँ. इसमें मैंने 3 चम्मच चाय पत्ती डाल दी है. चीनी इसमें 4 चम्मच ऐड कर दूंगी. चम्मच ये छोटे वाला है. आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज्यादा, जैसे आपको पसंद हो कर सकते हैं. अब इसमें आधा हाफ टी स्पून मैं इलायची पाउडर ऐड करूंगी. ये मेरी साइड ये वाली ब्लैक हो गई है तो अब मैं इस तरफ से इसे गर्म कर लूंगी अच्छे से. पलट के ऐसे ऐसे हमने इसे अच्छे से गर्म करना है. उसके बाद इसको लास्ट में नीचे से भी, पहले हम ऐसे नीचे से गर्म करेंगे. नीचे से गर्म करने के बाद इसको ऊपर से भी हम अच्छे से गर्म कर लेंगे. थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा ये आपको. अब चाय पे चलते हैं हम अपनी. चाय में मैंने इलायची डाल दी है. गैस का फ्लेम स्लो किया हुआ है. अब मैं इसमें 1 कप दूध डाल दूंगी. गैस का फ्लेम फुल कर दिया है. अब इस पे बॉयल आने देंगे. जब इस पे पहला बॉयल आ जाएगा तो गैस को मैं स्लो कर दूंगी. बॉयल आ गया है. गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है. इसे 5 मिनट, जब तक ऊपर के झाग खत्म नहीं हो जाएंगे, हम ऐसे ही इसे पकने देंगे. चाय मेरी रेडी हो गई है. गैस मैंने बंद कर दिया. अब इसको छान लेते हैं. ये मेरा कुल्लड़ गर्म हो गया है. गैस बंद कर देती हूँ. अब हम बनाएंगे तंदूरी चाय. ये जो कुल्लड़ है मिट्टी का, इसको हम ऐसे ही इस बर्तन में रख देंगे. ये कुल्लड़ हमारे लिए काम करेगा तंदूर का. अब इसको मैं बिना देर किए, इसको थोड़ा केयरफुली करना होगा आपको क्योंकि चाय एकदम ऊपर आएगी. इसको मैं इसमें डाल दूंगी अपने कुल्हड़ में. चाय को बिना देर किए मैं कुल्हड़ में डाल रही हूँ. ये हमारी तंदूरी चाय बनके रेडी है. झाग आने बंद हो गए हैं. अब इसको हम चाय को इसमें निकाल देंगे पैन में. और अब इसको हम ग्लासेस में सर्व करेंगे, कप में. आप चाहें तो इसे कप में सर्व कर सकते हैं या फिर आप ऐसे मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के ग्लास में इसे सर्व कर सकते हैं. मैं इस मिट्टी के ग्लास में इसे सर्व करूंगी क्योंकि इसमें ये अच्छी लगेगी मेरी चाय. तो आपको मैं पी के इसका टेस्ट बताती हूँ कि ये कैसी बनी है. आपको अब टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है. ये बहुत अमेजिंग बनी है चाय. आपको एक बार जरूर इसे ट्राई करना चाहिए. इसमें हल्का सा स्मोकी फ्लेवर है जो कि चाय को और अच्छा बना रहा है. तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मेरा वीडियो अब यहाँ खत्म होता है. बाय गाइज, बाय बाय.